जी हाँ, आज हम एक ऐसी कहानी से आपको रूबरू कराने जा रहे हैं जिसका इतिहास 32 साल पुराना है। ठीक सुना आपने, हम आज बोकारो जिले की बात करने जा रहे हैं जिस शहर में हम रहते हैं। हमारा शहर आज 32 साल का हो गया है, जिसकी खुशियां और जश्न में पूरा शहर डूबा हुआ है। हम सबसे पहले डी फोकस परिवार की ओर से हमें रहने वाले लोगों को बोकारो के स्थापना दिवस पर ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहते हैं। बोकारो जिला का निर्माण 1 अप्रैल 1991 को तत्कालीन धनबाद जिले के चास और चंदन क्यारी प्रखंड और गिरिडीह जिले के पूरे बैरमो अनुमंडल को विलय कर गठित किया गया था। बोकारो जिला के पूर्व में धनबाद जिला तथा पश्चिम बंगाल राज्य के कुछ अंश हैं। पश्चिम में रामगढ़ जिला, दक्षिण में पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले तथा उत्तर में गिरिडीह, हजारीबाग और धनबाद अवस्थित है। मानभूम जिले की सेटलमेंट रिपोर्ट 1928 में जिला गजट धनबाद 1964 नव निर्मित बोकारो जिले की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि ज्ञात करने हेतु कुछ उपलब्ध स्रोत हैं। बोकारो जिले के विशेष रूप से तथ्य के संबंध में अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। राज्य पुनर्निर्माण आयोग की सिफारिश पर धनबाद जिला 24/10/1956 को बनाया गया था। धनबाद के तत्कालीन जिले में दो अनुमंडल होते थे, अर्थात धनबाद सदर और बागमारा। 1/4/1991 को चास नाम से जाना जाने वाला बागमारा अनुमंडल बोकारो जिले का हिस्सा बन गया। पुराने बृहत मानभूम क्षेत्र के एक नगण्य हिस्सा होने के कारण बोकारो जिले के अधिकतर हिस्से का शुरुआती इतिहास पता लगाना मुश्किल है। मानभूम जिले की सेटलमेंट रिपोर्ट 1928 में यह बताया गया कि सर्वेक्षण और सेटलमेंट कार्यों के दौरान कोई भी पत्थर, शिलालेख, तांबे की प्लेट या पुराने सिक्कों की प्राप्ति नहीं हुई थी। सबसे पुराना प्रामाणिक दस्तावेज मुश्किल से 100 साल पुराना था। बोकारो जिला, जो 1991 जनगणना तक धनबाद जिले का हिस्सा था, पूर्व में पुराना मानभूम जिले का हिस्सा था। मानभूम क्षेत्र राजा मान सिंह ने अपना नाम प्राप्त किया, जो सम्राट अकबर से उन्हें उपहार स्वरूप प्राप्त हुआ था। कालांतर में मानभूम क्षेत्र अत्यंत विशाल होने के कारण बीरभूम, मानभूम और सिंहभूम में विभाजित हो गया। इस क्षेत्र में मुख्यतः कोलार रेस के लोग बसे हुए थे। लगभग 600 ईसा पूर्व के इस क्षेत्र में सबसे पहले सभ्यता जैन की थी, जैसा कि ह्वेनसांग के यात्रा वृत्तांत से स्पष्ट होता है। जैन वर्चस्व को 7वीं शताब्दी के आसपास ब्राह्मणों द्वारा अतिक्रमण किया गया था। ह्वेनसांग द्वारा शासित के शक्तिशाली राज्य का एक उल्लेख करता है, जो बौद्ध के उत्पीड़क थे। ब्राह्मण सभ्यता 10वीं शताब्दी में अपने शिखर पर थी और बाद में भूमिज और मुंडारी जनजाति ने इसे नष्ट कर दिया था। अकबर के समय में राजा मान सिंह झारखंड क्षेत्र के माध्यम से भागलपुर से मिदनापुर तक अपनी सेना का नेतृत्व कर रहे थे और संभवतः वह बोकारो जिले के इलाके से गुजरते थे। ब्रिटिश काल 1765 में अंग्रेजों ने पूर्व में मानभूम, वर्तमान के बोकारो जिला का अंश का अधिग्रहण किया था। ब्रिटिश काल के कई सैन्य अभियान के द्वारा छोटे जमींदारों को नियंत्रण में लाया गया। 1796 के इस क्षेत्र में अस्थाई समझौता किया गया था। 1805 में एक स्वतंत्र दंडाधिकारी के प्रभार के साथ
जंगल महल नामक एक नया जिला बनाया गया जिसका बांकुड़ा में मुख्यालय था। 1833 में जंगल महल का जिला को तोड़कर नया जिला मानभूम बनाया गया। बाद में 1838 में पुरुलिया को मानभूम जिले के मुख्यालय बनाया गया। 1960 के प्रारंभ में भारत सरकार द्वारा सोवियत रूस से सहयोग से आधुनिक सार्वजनिक क्षेत्र के स्टील प्लांट की स्थापना के लिए महत्वपूर्ण निर्णय के उपरांत बोकारो प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र के दर्जा के साथ साथ भारत के नक्शे में प्रसिद्ध स्थान प्राप्त किया। 1966 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने बोकारो स्टील प्लांट की आधारशिला रखी थी। 1990 की शुरुआत में ONGC ने चंदन क्यारी क्षेत्र में मीथेन गैस के विशाल स्रोत की पहचान के साथ औद्योगिक क्षेत्र में एक नया क्षितिज शुरुआत किया।